बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चॉकलेट कपकेक बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं और बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑल पर्पज फ्लावर ले लिया है। अगर इसको ग्राम्स में देखा जाए तो ये 180 ग्राम्स के इक्वल है, यानी कि 1.5 कप मैदा। पाउडर्ड शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर 1 कप प्लस 1/3 कप, यानी कि पिसी हुई चीनी 1 कप और 1/2 कप। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1/2 चाय की चम्मच नमक। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1 चाय का चम्मच सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इसके अलावा 1/4 कप मैं कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1/4 कप कोको पाउडर। 1/3 कप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर हम इसको मिलीलीटर्स में देखें तो ये 80 मिलीलीटर्स है, यानी कि 1/2 कप मैं तेल यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1/2 कप मिल्क यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 1/2 कप दूध। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दूंगी, यानी कि 1 खाने का चम्मच सिरका। और इसको बटर मिल्क की तरह बना लेंगे, लेकिन अगर आपके पास बटर मिल्क है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और इस सिरके की बजाय आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1/4 कप कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने 1/4 कप पानी में 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल के इसको मैंने मिक्सचर बना लिया है। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 2 चाय के चम्मच। 2 एग्स यानी कि 2 अंडे। इसके अलावा 1/4 कप मैं योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। इसको ग्राम्स में देखा जाए तो ये 60 ग्राम्स के इक्वल है, यानी कि 1/4 कप दही यूज़ कर रही हूँ। इसके बजाय आप सावर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जो ड्राई चीज़ें हैं उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चीनी भी डाल लेंगे इसमें, और ये बाकी की भी डाल लूँगी मैं। अब इसके अंदर ये नमक, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर, ये भी डाल कर छान लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैं एक साइड पे कर दूँगी, और ये एग्स ये इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। दूध के अंदर मैं ये विनेगर ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट मैं ऐसे ही रहने दूंगी। इसमें ऑयल ऐड कर लूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनीला एसेंस, और ये कॉफ़ी, और ये दही। ये चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से मैं इसको पहले मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बटर मिल्क है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब ये जितना भी मिक्सचर है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, और अभी कपकेक मोल्ड में हम ये लाइनिंग लगाएंगे, कपकेक लाइनिंग्स। अब इसको फिल कर लेंगे, 2/3 करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2/3 ना इससे कम करेंगे। अवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है, और उसको मैं तकरीबन 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट मैं इसको बेक कर लूँगी, और फिर मैं टूथपिक से चेक कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आपने ओवन के हिसाब से इसको बेक कीजिएगा, 18 से 25 मिनट आप एस्टिमेट टाइम लगा लीजिए, और उस बीच आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, उतनी देर तक इसकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे। अब इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने बटर 1 कप ले लिया। अगर इसको ग्राम्स में देखें तो ये 250 ग्राम है, यानी कि मक्खन 250 ग्राम। इसको मैं 3 मिनट के लिए फुल स्पीड पे मैं बीट कर लूँगी, तब तक जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर लाइट हो जाए और ये इधर क्रीमी टेक्सचर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर को मैंने अच्छे तरीके से 3 मिनट तक बीट कर लिया हाई स्पीड पर। अच्छा, एक आपको टिप देती चलूँ यहाँ पर मैं, कि जब आप बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाएं तो आप जो बटर है यानी कि जो मक्खन है उसको रूम टेम्परेचर पे रख के इसको यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपकी बटर क्रीम अच्छी नहीं बनेगी। अब इसके अंदर मैं ये पाउडर्ड शुगर ऐड कर रही हूँ, यानी कि ये आइसिंग शुगर है। एक तो हम जो घर में खुद पीस लेते हैं चीनी, ये वो नहीं है, ये बाज़ार से जो आइसिंग शुगर मिलती है ये वो है, क्योंकि जब हम बटर क्रीम बनाएंगे तो इसके लिए बहुत ही बारीक चीनी होनी चाहिए, अगर मोटी होगी तो फ्रॉस्टिंग ठीक नहीं बनेगी। तो ये मैं यहाँ पर 2.5 कप यूज़ कर रही हूँ, ये 265 ग्राम्स है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि 2.5 कप
आइसिंग शुगर यानी कि चीनी जो पिसी हुई बहुत पाउडर शक्ल में होती है। इसके अलावा कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं हाफ कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब आप कोई मीठा बनाते हैं तो उसके अंदर एक या दो चुटकी नमक ज़रूर ऐड कर लीजिए, इससे जो इसका जो फ्लेवर है स्वीटनेस का बहुत अच्छा एनहेंस होता है। तो ये मैं दो चुटकी यूज़ कर रही हूँ। 2 pinch salt यानी कि नमक 2 चुटकी। इसके अलावा वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ 2 teaspoon यानी कि 2 चाय के चम्मच। इसको मैं लो स्पीड पे पहले बीट करना स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं 3 मिनट तक इसको लो टू मीडियम स्पीड पर बीट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साथ साथ आप स्क्रैच करते जाएं ताकि अच्छे तरीके से सब मिक्स हो जाए। अब देखिए इसको पाइपिंग बैग में मैं फिल कर लूँगी। अब इसकी डेकोरेशन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। ये देखिए आपको मैं खोल के चेक करवाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बने हैं। बहुत ही फ्लफी से और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट कपकेक्स रेडी हैं। ये इस मिक्सचर में टोटल 16 कपकेक्स रेडी हुए हैं। इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। हज़रत दर्दा रदील तला अनहा फरमाती हैं कि मैंने अबू दर्दा रदील तला अन से अर्ज़ किया कि आप और लोगों की तरह अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए माल क्यों नहीं कमाते। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारत फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे सामने एक मुश्किल घाटी है, इस पर ज़्यादा बोझ वाले आसानी से ना गुजर सकेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घाटी से गुजरने के लिए हल्का फुल्का रहूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।